Welcome to Ansarkari, where the endeavor is to give you keen insight and ability to stand on your own feet like Sir C.R. Rao in a both strategic manner, in which divine power, the supreme power, will always help you if you are on the right side. That means hard work, perseverance and your dedication. I am Vikas Bhartwaj. Sir C.R. Rao is one of the most distinguished statisticians. Now, संख्याकी जिसे हम कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग गणित के नंबरों को देखकर डर जाते हैं और एक लेवल के पश्चात वी डोंट वांट टू गो इनटू मैथमेटिक्स एंड दिस डोमेन, बट सीआर राव, फॉर हुम इट वाज जस्ट अ फैंसीफुल ड्रीम व्हिच ही कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, नॉट ओनली एस्टिमेशन थ्योरी बट डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मल्टी वेरिएट एनालिसिस. हाँ, टेक्निकल टर्म्स हैं, बट इफ यू लुक इनटू इकोनॉमिक्स, इफ यू लुक इनटू statistics, if you look into geometry, then you will find these are very, very important domain. His most important and best known discoveries are Kramer-Rao bound and Rao-Blackwell theorem. Both are related to quality of estimators. यानी कि किस चीज का estimation कैसे लगाया जाए, बहुत ही generic terms में अगर बात करें. Fisher-Rao theorem, Rao distance and orthogonal arrays, ये भी उनके बहुत ही important contributions हैं. Contribution उनके theoretical aspect में है, लेकिन उनका इम्प्लीकेशन इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक है रियल लाइफ में कि वो मॉडर्न टाइम्स में आप कह सकते हैं ए लिविंग लेजेंड है. अगर आइंस्टाइन ने कुछ खास किया तो सी आर राव साहब ने भी कुछ कम नहीं किया. ही इज ऑथर ऑफ मोर देन 14 बुक्स एंड ही हैज पब्लिश्ड न्यूमरस जर्नल्स. बचपन की बात है, जब एक बार उनके स्कूल के मैथ्स टीचर ने उनको क्लास में खड़ा किया और बोला टेबल सुनाओ, तो हम सुनाएंगे 10 तक टेबल और फॉर दैट मैटर वी कैन से 20 तक. But he can say 20 into 30 times. That's how was his phenomenal memory and also his love for mathematics. So he was a genius. He was a great prodigy since his childhood. Rao sahab ki legacy India se bahut deeply judi hui hai. Hum kehte hain India se deeply kyun judi hui hai? Kyunki maine jaisa kaha, he has been renowned all over the world. और उन्होंने वर्क किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एंड सी आर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में. इसके अलावा उन्हीं के नाम पर है ये सी आर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जिसको हम कह सकते हैं AIMSCS. दैट वॉज हिज ग्रेटनेस विच वॉज सेट अप इन 2013 एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड एज मेनी एज 51 डॉक्टरेट स्टूडेंट्स. सो आप सोच सकते हैं कितना गहन और कितना विशाल उनका इम्पैक्ट रहा है. बहुत ही उनके फेमस स्टूडेंट्स में के आर पार्थसारथी, मिस्टर राव वर्धराजन और एस आर एस वर्धन को बहुत ही फेमस मैथमेटिक्स के लिए जो प्राइज होता है, जिसको हम एबल प्राइज भी कहते हैं, 2017 में उनको दिया जा चुका है. सो राव साहब ना सिर्फ पूरे जनमानस पर प्रभाव डाल रहे हैं, बल्कि वो एक तरीके से ग्रेट लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं. रिसेंटली ही हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिम. इफ यू सी व्हाट ही हैज डन, फॉर एग्जांपल अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने कहा कि वो एक लिविंग लेजेंड है, जिसके जिनके वर्क ने ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को इम्पैक्ट किया है, बल्कि इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, नेशनल प्लानिंग, डेमोग्राफी एंड इवन मेडिसिन, बायोमेट्रिक्स एंड सो ऑन. सो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां राव साहब के एस्टिमेशन ने, राव साहब की थ्योरी और आइडियाज ने इम्पैक्ट ना किया हो. यहाँ यही यानी कि कह सकते हैं कि उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ऑब्जेक्टिविटी, उनकी ग्राउंडेडनेस, उनकी हम्बलनेस ने उनको यहाँ तक पहुँचाने में जरूर मदद की है. टाइम्स ऑफ इंडिया लिस्टेड राव इज वन ऑफ द टॉप 10 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. जब हम बात करते हैं सी वी रमन साहब की, जब हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन साहब की, ऐसे ही सी आर राव साहब भी उनमें गिने जाएंगे. ही हैज रिसीव्ड 38 ऑनररी डॉक्टरल डिग्रीज फ्रॉम द 19 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. अवार्ड्स की तो बात ही मत कीजिए. एंड ही इज अ मेंबर ऑफ 8 नेशनल अकेडमीज इन इंडिया एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम इंडिया ही इज पार्ट ऑफ मेनी अकेडमीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड इटली अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स. Rao Saab was awarded the United States National Medal of Science, that the nation's highest award for lifetime achievement in the fields of scientific research, in 2002. Former US President George W. Bush ne unke bare mein kaha tha, he is a prophet of new age. New age, when we say, we want to say new industrialization, we want to say artificial intelligence, we want to say fourth industrialization, we want to say manufacturing, we want to say services. All these areas are deeply linked with ideas and theorems and obviously analysis which have been promoted by C.R. Rao Saab.
He obtained his PhD degree at King's College in Cambridge University under R.A. Fisher in 1948, 1 year, just 1 year after India got independence. And he has also got his SCD degree from Cambridge in 1965, MSc in Mathematics from Andhra University and MA in Statistics from Calcutta University in 1943. So you can see a legendary figure who has seen not only 20th century, but he is also making a deep impact on the 21st century also. His awards include Shanti Swarup Bhatnagar Award 1963, Padma Bhushan in 1968, Padma Vibhushan in 2001, India Science Award, जो कि एक बहुत ही highly conferred और वो कह सकते हैं बहुत ही highly regarded award है, वो भी उनको दिया जा चुका है. In 2013 he was nominated for Nobel Peace Prize. तो हम ये कहेंगे कि ऐसा कोई डोमेन नहीं है जो सी आर राव साहब ने छोड़ा हो. He has been legend throughout. Why in news, as I told you, he has जस्ट टर्न 100. ये भी स्टेटिस्टिशियन बाई चांस है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मैथमेटिक्स में कुछ करें और वो और किसी फील्ड में भी जाना चाहते थे. जब शुरू में उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो एक हम्बल और एक ग्राउंडेड ग्रेजुएट की तरह जब वो नौकरी की तलाश में निकले, रास्ता अपने आप बनता गया. वट वी कैन से इज दैट ही इज ए ट्रू भारत रत्न एंड इट विल बी हाईली सजेस्टेबल. जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके थ्योरम्स हैं, अगर वो इंडिया की डेवलपमेंट में हर तरीके से काम आ सके, तो हम कहेंगे कि राव साहब का प्रयास, राव साहब की एबिलिटीज भारत के लिए भी उतनी ही लाभदायक हुई जितनी कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए या बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लिए होंगी. गिविंग यू एंड बिलीविंग दैट यू ऑल्सो बिलीव इन द सेम मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, सिंप्लिसिटी एंड ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी इन योर वर्क, विशिंग यू ऑल सक्सेस. थैंक यू फॉर योर important movements and also considering Ansar Kari as a favorite part of your success.